जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हर एक व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित होगा। और ये कमेंट्स मुझे बार बार मिलते हैं कि हम लोगों ताकि को आपको प्रभावित नहीं कर हमेशा पाते। सकारात्मक अस्त्रों से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। और कमेंट्स में आप लिख दें ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, जय शिव शंभू, जो भी आपका मन हो कमेंट्स में एक अच्छा राय जरूर लिखें। और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी कुंडली का एनालिसिस यदि करवाना चाहते हैं आप, तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और फीस पे करके बात आप कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, प्रभावित करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट, जहाँ से शुरू होती है बात कि हम जब भी किसी व्यक्ति को हमें प्रभावित करना है, तो ये बात हमें बन जाती है कि हमें इस व्यक्ति को प्रभावित करना है, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। और जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं ना, तो खुद की जो सरलता है, खुद जो हैं आप, जो खुद जो स्वतः ही बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, हम उस खुद को, स्वयं को छेड़ते हैं, क्योंकि हमें प्रभावित दिखने के लिए कुछ अतरंगी करना होगा, लेकिन ये सही नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को प्रभावित आपको करना है, तो पहली इस आदत को अपने मन से डिलीट कर दें कि हाँ, प्रभावित करना है, ठीक है, करना है, बात खत्म हो गई। तो खुद को ना बदले, आप जैसे हैं वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि तो आप व्यक्ति जितना सरल रहेगा, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, वो राग द्वेष नहीं होगा, वो उतना सारा प्रभावशाली और आकर्षित रहेगा। उदाहरण के लिए, बच्चे हमें क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि बच्चों के पास किसी प्रकार का कोई छल कपट, राग द्वेष, हानि, ये चीज़ें नहीं होती है। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव होते हैं, इसलिए हमें बच्चों की खुशी हंसी बहुत अच्छी लगती है। तो ईश्वर का रूप इसीलिए तो कहते हैं। तो बस हम जैसे हैं, जो हमारे अंदर एक रियलिटी है, जो उस रियलिटी के साथ हम जी रहे हैं, ये बेशक है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, उस नज़रिए में दुनिया आपके नहीं फिट बैठ है, वो एक अलग बात है। पर आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपकी सकारात्मकता है, वही तो आपका जीवन है, वही तो आपको जीवित रखे हैं। तो उसे बिल्कुल ना छेड़े। अगर आप उसे छेड़ेंगे, तो फिर किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और खुद ही आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप गवा देंगे। तो पहली बात है कि खुद जैसे हैं वैसे रहें, बिल्कुल सरल साधारण रहें, और सच सच के साथ रहें। मतलब कोई लाव लपेट या कोई भी चीज़ें जैसे होते हैं ना, मिलाकर बता देना, ये सब असत्य बात है। जो जैसा है वो सत्य बता देना सबसे आसान है किसी को प्रभावित करने के लिए। एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है दोस्तों, कि आप जैसे हैं जो हैं वही प्रभावित, वो सच जो है, उस सच से हमें भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। हमने किसी को धोखा नहीं दिया और हमने किसी के साथ छल कर नहीं किया। और जहाँ छल नहीं है, वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ हर जगह प्रभावशालीता है। यही सच है।